अनकरीब कुन फयाकून के मौज से होंगे, जल्द ही सब दुआओं को उनकी मंजिल मिलेगी इंशाल्लाह। जब तुम्हें अगली नमाज का इंतज़ार हो तो समझ लेना कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी पहली नमाज कबूल कर ली है। अल्लाह पाक फरमाता है, मैं तुम्हारा गुमान हूँ और तुम जैसा सोचोगे अल्लाह को वैसा ही पाओगे। सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह ताला का फैसला ही हक का फैसला होता है। जहाँ इतना मांगा वहाँ एक बार फिर मांग लो, मुमकिन है ये आखिरी दुआ ही मौजज़ों की दुआ हो। अल्लाह ताला तुम्हें इतना नवाजेगा कि तुम आजमाइश का दुख भूल जाओगे। अल्लाह जिनसे प्यार करता है उन्हीं को मुश्किलात के रास्ते में डालता है, ताकि बाद में उन्हीं आंसुओं और तड़पते दिल का सुकून बन सके। यकीन माने, सब्र की ज़ुबान इतनी ताकतवर होती है कि सताने वालों की बुनियादें हिल जाती हैं। आज के वक्त में कोई अपना नहीं होता। मैं बहुत करीब से अपनों को देख चुकी हूँ। अपने मतलब के लिए सब साथ देंगे आपका, लेकिन मतलब पूरा होने पर सब पीठ दिखाकर निकल जाते हैं, ऐसे जैसे वो आपको जानते ही ना हो। इसलिए दूसरों से उम्मीदें लगाना छोड़ दें, क्योंकि इस दुनिया में अल्लाह के सिवा कोई आपका अपना नहीं। क्योंकि जो अपना होता है वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ता। अल्लाह तुम्हें जल्द ही इस तड़प से आज़ाद करेगा जिसकी तकलीफ तुम्हें कहीं चैन नहीं लेने देती।